इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में आजकल हर कोई, जितने भी लोगों को नई गाड़ियाँ लेनी है उन सबको एसयूवी चाहिए भैया। फिर वो कॉम्पैक्ट एसयूवी हो या फिर क्रॉसओवर, सबसे छोटी ही हो लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होगा तो वो एसयूवी कहलाएगी एज पर द इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट। तो हालत इसने ये कर दी है कि इंडिया के अंदर हैचबैक्स और सेडान का मार्केट ऑलमोस्ट मतलब 90% ख़त्म हो चुका है, लेकिन कई गाड़ियाँ उसके बावजूद ऐसी है जो इन सेगमेंट्स को ज़िंदा रख रही है। अगर बात करें सेडान सेगमेंट के अंदर तो वहाँ पे आपको वरना मिल जाती है, कॉम्पैक्ट सेडान के अंदर डिज़ायर है मारुति की, और अगर जो डी सेगमेंट है वहाँ पे आपको ह्यूंडई के अलावा, वरना के अलावा आपको सिटी मिल जाती है, और रिसेंटली लॉन्च हुई है वर्टस और स्लाविया। तो इन सबको कुल मिला के अगर देखा जाए तो सेडान का मार्केट अभी तक थोड़ा बहुत ज़िंदा है। हैचबैक्स की बात करें तो वहाँ पे तो थोड़ी सी बजट फ्रेंडली गाड़ी आ जाती है, इस वजह से लोग थोड़ा सा खरीद लेते हैं। सिटी ड्राइविंग के लिए भी लोग उसको प्रेफर करना चाहते हैं और प्रेफर करते भी है। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेडान का मार्केट ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद ह्यूंडई अपनी नई वरना को लॉन्च करने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने, वरना का नया फेसलिफ्ट ऑलरेडी रिवील कर दिया है ह्यूंडई ने ग्लोबल मार्केट में, मतलब कि उसकी डिज़ाइन क्या होगी, फीचर्स क्या होंगे, इंटीरियर क्या होगा, वो सब हमें अब पता चल चुका है। अब बात यही है कि अब भैया सेडान का मार्केट ऑलरेडी ख़त्म है, कोई भी खरीदना नहीं चाहता, स्पेशली अगर वो गाड़ी 12-13 लाख से ऊपर की है तो भैया कोई देखता तक नहीं है कि हमें ये सेडान चाहिए। लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी और उसके ऊपर वाले सेगमेंट की एसयूवी के ऊपर ज़्यादा अब डाइवर्ट हो रहे हैं। ऐसे में ह्यूंडई को क्यों लगा, क्या हुआ वो सब तो हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि कंपटीशन के सामने टिकने के लिए या फिर वरना के नाम को ज़िंदा रखने के लिए ह्यूंडई को ये करना पड़ रहा है या फिर वो लोग कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है कि वरना 2022 के साथ में क्या होने वाला है। अगर आप भी वरना के फ़ैन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सेडान का मार्केट जो है वो डाउन हो रहा है, उससे आप खुश हो या फिर नहीं, या फिर आपको इस वीडियो के देखने के बाद आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो को देख के कैसा लगा कि नई वरना के साथ में ये चेंजेस होने वाले, वो सुन के कैसा लगा वो ज़रूर शेयर करना है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी सेडान्स को प्रेफर कर रहे हैं, मतलब कि जो अभी भी सेडान्स के अंदर इंटरेस्टेड है। तो बिना देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे, डिज़ाइन के बाद हम बात करेंगे फीचर्स, और फिर आपको लॉन्च और प्राइस वगैरह बताने वाले हैं। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात की जाने वाली है, तो वेरिएंट्स की बात करें तो वहाँ पे आपको मिलने वाले रेगुलर वेरिएंट्स जो अभी भी मिल रहे हैं, मतलब कि ई से स्टार्ट हो गए एस, एस एक्स, एस एक्स ऑप्शनल, एस एक्स एग्जीक्यूटिव वगैरह, जितने भी आपको वेरिएंट्स मिलते हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो वहाँ पे आपको 1.0 लीटर मतलब कि 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल देखने को मिलेगा जो अभी भी मिलता है, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, और यही तीनों ऑप्शन को मिला के आपको गेयरबॉक्स मिलेंगे, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, और साथ ही में आपको डीसीटी मिलेगा टर्बो पेट्रोल के साथ में, आईएमटी आपको पेट्रोल डीजल दोनों के साथ में ही अवेलेबल किया जाएगा। ऐसा अभी भी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, हमें कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है। मोर ओवर डिज़ाइन की बात करें तो वहाँ पे आपको कॉस्मेटिक चेंजेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब कि फ्रंट की बात करें तो पूरा हेडलाइट का यूनिट चेंज कर दिया गया है, ग्रिल चेंज हो चुकी है, रियर की बात करें तो रियर में भी आपको पूरा चेंज देखने को मिलेगा, टेल लैंप्स आपको फुल LED के सेटअप में देखने को मिलेंगे जो कि चेंज है, और रनिंग टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे जैसे हमने ऑलरेडी वेन्यू के साथ में देख लिए, तो ऐसे कनेक्टिंग टेल लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इस वजह से गाड़ी की अपीलिंग थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको नए एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे जो कि 18 इंचेस के होंगे, न्यू फ्रंट एंड रियर बम्पर्स विथ रेड एक्सेंट्स ऑन रूफ रेल्स टू एस्पेशली इन द टर्बो वेरिएंट। नए एलॉय व्हील्स की जो डिज़ाइन होगी वहाँ पे आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज़, तो वो क्या होगा वो तो गाड़ी के लॉन्च होने के बाद ही पता चल सकता है। साथ ही में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेंगे टर्बो पेट्रोल में, और ड्यूअल टोन इंटीरियर और डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा आपको मैनुअल या फिर पेट्रोल और डीजल के ऑप्शन के साथ में। अब बात करते हैं आगे चल के फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स तो भैया ये है ना कि ह्यूंडई जो भी अपने मतलब कि हर साल कोई इन्वेंशन नया आता है ह्यूंडई का, फिर वो फीचर अगर आ गया ना उन लोगों के पास तो फिर उस साल में जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च होगी ना उन सब में वो फीचर होगा, और इस साल 2022 का एंड या फिर 2023 का है तो वो है एडास जो इस गाड़ी में भी आने वाला है,
जो हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन फीचर्स के बारे में बात की जाए तो सिमिलर फीचर्स ऑफ द रेगुलर वरना टॉप एंड वेरिएंट, या फिर कह लो क्रेटा का टॉप एंड वेरिएंट जो होगा वही फीचर्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एम्बियंट लाइटिंग, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फुल LED टेल लैम्प सेटअप, LED फॉग लैम्प्स, कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स विथ DRL एयर प्योरीफायर जो इंटीग्रेटेड होगा, साथ ही में वॉइस कमांड्स, बोस का ऑडियो सिस्टम, आपको हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे लोअर वेरिएंट्स के अंदर, साथ ही में लोअर वेरिएंट्स के अंदर आपको एयर प्योरीफायर नहीं मिलेगा, वॉइस कमांड नहीं मिलेगा, एम्बियंट लाइटिंग नहीं मिलेगी, चारों व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं देखने को मिलेगी, DRL थोड़ी सी छोटी देखने को मिलेगी। तो ये सब हिसाब किताब रहता है फीचर्स का, जो कि Hyundai अच्छे से मैनेज भी कर लेती है एज़ पर दी वेरिएंट्स। कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं होता जिस पे आपको ऐसा लगे कि हम ज़्यादा पे कर रहे हैं लेकिन बदले में हमें कम मिल रहा है, ऐसा बहुत कम वेरिएंट के साथ में होता है। Hyundai बहुत अच्छे से उन लोगों को, मतलब कि फीचर्स को मैनेज करती है हर एक वेरिएंट के साथ में और प्राइसिंग के साथ में। तो अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी के बारे में बात करें तो आपको एज अ स्टैंडर्ड 4 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि गाड़ी का बेस वेरिएंट भी अगर आप लेते हो तो आपको 4 एयरबैग्स गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके अलावा स्टैंडर्ड फीचर्स के बारे में बात करें सेफ्टी के, तो वो हो गए आपके ABS, EBD, ESP, ESC या फिर मान लो हिल होल्ड कंट्रोल। और अगर बात करें मिड वेरिएंट की ऊपर की, तो वहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा आपको, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी में ब्लू लिंक के साथ में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिल रहे थे, या फिर मान लो अभी तक Hyundai ने बहुत कम वो इंट्रोड्यूस किए, तो ऐसे फीचर्स होने वाले हैं जो कि गाड़ी के साथ में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किए गए, वरना को अभी Hyundai ने ग्लोबली रिवील किया है। इसके बारे में इतनी सारी जानकारी हमें भी बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद में मिली है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, क्योंकि गाड़ी रिसेंटली रिवील हुई है और उसके बावजूद हम आपको इतने कम टाइम पीरियड के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक सब्सक्राइब या फिर लाइक तो बनता है ना। तो अब अगर बात करें आगे चल के गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी के अंदर आपको ADAS वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि Hyundai की रडार में अब आ चुका है ADAS, तो इसी वजह से वो लोग नई क्रेटा में भी देने वाले हैं, सेल्टोस में भी आएगा, नई वरना में भी आने वाला है, और हो सकता है वेन्यू एनलाइन में भी दे दे, कोई कंफर्मेशन या फिर जोक था वो तो, लेकिन वेन्यू में तो नहीं देंगे, खैर वरना में तो वो लोग देने ही वाले हैं, लेवल 2 का दे या फिर लेवल 1 का वरना में वो कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन देंगे वो बिल्कुल पक्का है। अब अगर बात करें लॉन्च डेट की, तो लॉन्च डेट के पहले हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग होने वाली है 10 लाख से लेकर 20 लाख तक मान के चलो, क्योंकि ADAS वगैरह होगा, सेडान को थोड़ा सा प्रीमियम बनाए जाने वाला है, तो ऑब्वियसली प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ने ही वाली है। लॉन्च की बात करें तो लॉन्च होने वाला है 2023 के जनवरी में या फिर दिसंबर के 2022 में, आप मान के चलो 2022 के एंड से होके आपको गाड़ी दिसंबर या फिर जनवरी के फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएंगी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मतलब कि अपकमिंग कार्स की डिटेल्स के ऊपर, मतलब पूरे डिटेल्ड वीडियो इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको चेक करने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो सब वीडियोस चेक कर सकते हो। पसंद आते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो को बनाने में जितनी मेहनत लगती है उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगती है। चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था, अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।